नमस्कार, मैं हूं सुमेलन सर और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर, 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। प्रदेश के जिला बहराइच अंतर्गत थाना प्रधारी मटेरा शेष मणि पांडे जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया है। लोगों को जागरूक करा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मांगा गया जनता कर्फ्यू का समर्थन बहुत ही जरूरी और आज के समय की मांग भी है। आइए हम भारतीय वासी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने घर से रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान दे, घरों से बाहर ना निकले और ऑनलाइन से FIR दर्ज कराएं। आपकी सेवा की जाएगी, थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑनलाइन से भी उतना ही सीरियस लेंगे। कैमरामैन लड्डन के साथ सिराजुद्दीन खान की स्पेशल रिपोर्ट। तो बाद जो हाथ धोले, खाना खाने से दिन भर में 4-5 बार अपने हाथों को धोले, सफाई रखें। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है संडे आ रहा है, इसमें जो है एक तरह से जनता कर्फ्यू के संबंध में बताया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जनता के लोग जो है संडे के दिन यानी 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहें। इससे उद्देश्य उनका ये है कि जो ये वायरस है कोरोना का, ये जब एक संपर्क में नहीं आएगा तो 2-4, 10, 6 घंटे बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। और ये इसके जीवित रह, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उसको टच कर दिए तो आप भी संक्रमित होंगे और उसको लाइफ मिलेगी वायरस को। जब वो आप संपर्क में नहीं आएंगे तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में ये आदेश हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें आप लोग ऑनलाइन करें, ऑनलाइन शिकायतें भी आपकी जो है सुनवाई होगी। एक एप्लीकेशन के साथ जो 10 लोग आते हैं थाने पे, कुछ दिनों के लिए इस पर बैन लगाएं। जो पीड़ित है अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दे पाता है तब तो आगे डायरेक्ट दे, नहीं तो जो है अकेला आए एप्लीकेशन दे और उसकी सुनवाई वैसे ही होगी जैसे ऑनलाइन या डायरेक्ट देगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सुनवाई आपकी तब भी अच्छी तरीके से होगी, ऑनलाइन देंगे तब भी होगी। और इस समय थोड़ा सा ये वायरस तेज़ी से फैल रहा तो आप लोग बचें इस चीज़ से। लोग और गांव में जाके जागरूक करें, गांव में लोगों को सफाई के लिए जागरूक करें, अपने हाथों को जो है हैंड वॉश से धुले, साबुन से धुले, जो है अपने हाथों को धुले। आप लोग गांव में साफ सफाई रखें, दूसरे को जागरूक करें। अगर कोई किसी इसका लक्षण है, खांसी आना, जुखाम, बुखार, अगर इस तरह के किसी को शिकायत हो तो तत्काल जाके जो है चिकित्सक से परामर्श ले, ठीक। अफवाह न फैलाए, कोरोना के बारे में अफवाह न फैलाए। 22 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उस पर आप लोग अमल करें और सुरक्षा ही उपाय है, सुरक्षा ही बचाव है। इससे इस वायरस का बचाव सफाई और उसके विषय में जानकारी और सुरक्षा और सफाई, यही है। बाकी अभी कोई इसका इलाज नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से जाएं, अपने गांव में भी लोगों को जागरूक करें कोरोना के प्रति कि कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। और जरा सा भी किसी खांसी, बुखार, जुखाम या खांसी आए तो